सो हे गाइस वेलकम बैक। जो आर्ची पर सबने पॉइंट है सभी क्लास 12 एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी क्लास 12 के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर क्लास 12 में आए हैं या फिर पास आउट कर चुके हैं क्लास 12 को, नो मैटर, आपके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। क्लास 12 के बाद ही स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ जाता है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, हायर स्टडी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो वो प्राइवेट सेक्टर में करनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में करनी चाहिए। तो आज के जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन डू आफ्टर योर क्लास 12। तो इसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और ये आप क्लास 12 के बाद दे सकते हैं। जो जो मैं आपको जॉब्स बताऊंगा आगे उन सबके एग्जाम्स आप क्लास 12 के बाद दे सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे उस पर आप डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी वो है एनडीए की तरफ से, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। एनडीए के बारे में आई होप एंड आई एम थिंक कि आपको पता ही होगा कि एनडीए बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक प्रेस्टीजियस जॉब है जो ऑफर करती है। हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं एंड बहुत अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब वो यहाँ से रिक्रूट और ग्रैप करते हैं। दैट इज डिफेंस सेक्टर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 विंग्स। तो वो 3 विंग्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 10+2 मींस 12th कैन अपीयर फॉर द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम एनडीए। कि आपने 12th क्लियर कर ली तो आप इस एग्जाम के लिए एनडीए के लिए आप एलिजिबल है, एंड दैट विद दिस दे विल बी रिक्रूटेड टू द रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस। तो आप इससे इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं उसके अंदर। एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन ज्वाइन द इंडियन आर्मी। तो आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12 के बाद, बट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरीली आपको चाहिए। इस इन दो जॉब्स को पाने के लिए आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए। बट अगर आप कोई भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, तो आप इजीली इंडियन आर्मी को की जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। एंड ये भी बहुत अच्छी, ये तीनों ही कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है जो आप पा सकते हैं डिफेंस सेक्टर में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस बनवाना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस हो गया आपका या फिर जो भी आपकी कह सकते हैं इस एग्जाम का, रिटन एग्जाम भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं नीचे वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर एक। एंड देखते हैं हम सेकंड जो हमारी जॉब है वो है एसएससी की तरफ से। सो एसएससी जो है वो आप पता है होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और वो काफी एग्जाम्स कंडक्ट करती है ग्रेजुएशन लेवल के, क्लास 12 के लेवल के। तो उसमें से एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, एमटीएस का। मल्टीटास्किंग स्टाफ इज वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इज कंडक्टेड टू रिक्रूट कैंडिडेट्स एज सपोर्ट स्टाफ एट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप जब भी किसी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हो तो वहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है तो वो इस एमटीएस के थ्रू ही लगता है। और अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ सपोर्टिंग स्टाफ काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, आप चाह सकते हैं, आप उसमें भी रिक्रूट हो सकते हैं विद द एमटीएस एग्जाम कंडक्टेड बाय एसएससी। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप चाहो तो नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो मैं जरूर इसके ऊपर एक बना दूंगा। सो थर्ड जो है वो है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल। सो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एसएससी की तरफ से ही आता है और ये भी आप क्लास 12 के बाद दे सकते हैं इस एग्जाम को। एंड जो ये होता है ये एनुअली पूरे साल में एक बार होता है, टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो अगर आपको मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, इनमें आपको अगर लोअर डिवीजन क्लर्क जो आपका पेपर वर्क और फाइल वर्क के लिए होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते हैं, तो उनकी आपको जॉब करनी है तो सीएचएसएल एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी बहुत अच्छी एक जॉब है जो एसएससी प्रोवाइड करती है आपको, तो आप इसके एग्जाम भी भर के आप इसको क्लियर करिए, एक जॉब वहां पे ले सकते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पे आ रही है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी लेवल के। एंड जो स्टेनोग्राफर होते हैं, आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ऐसे कोर्ट्स में आप देखा होगा जो हियरिंग्स होती हैं, तो उन सबको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम स्टेनोग्राफर का होता है। तो वो आपको अगर चाहिए तो वो भी एसएससी कंडक्ट करती है, उसके एग्जाम को आप क्लियर करके उसकी जॉब भी आप ले सकते हैं। एंड द स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू रिक्रूट एस्पिरेंट्स फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोजीशंस। The educational qualification for this exam is a high school graduate certificate, that is your class 12th, and the stenography skill certificate is also required to take the exam. तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो आपकी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए वो है स्टेनोग्राफी की। तो वैसे भी जरूरी है कि जो स्किल के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी आपके पास सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर वो सीखा हो आपने, तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं एंड ईजिली आप ये जॉब भी आप ग्रैब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इजिली तुम कह सकते हो कि यार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, हर एग्जाम के लिए लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल रजिस्टर करते हैं,
तो इजी तो नहीं है, बट हाँ अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हो और इजीली आप इसको जॉब को ले सकते हैं, इसलिए मैंने इजीली कहा है। वैसे तो बहुत टफ होता है, बट हाँ अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन से काम करते हो तो आप इजीली इसको एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ नंबर पे है वो है आरआरबी की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देर आर मेनी वैकेंसीज इन द इंडियन रेलवे फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th। सम ऑफ द वैकेंसीज इन द इंडियन रेलवेज आर असिस्टेंट लोको पायलट। आप असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब ले सकते हैं रेलवेज में। ऑफिस असिस्टेंट्स हो गए, स्टेशन मास्टर हो गया, टीसी मींस टिकट कलेक्टर। द बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट इज अ हाई स्कूल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दैट इज योर क्लास 12th। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू चेंज द प्री रिक्विजिट्स। तो वैसे तो इसमें अथॉरिटी है कि आपकी चेंज हो जाते हैं, बट ये है कि आपकी बेसिक चीज है कि आपके पास क्लास 12th की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। और ये भी एक प्रेस्टिजियस जॉब कह सकते हैं आरआरबी की तरफ से बहुत आती है कि आपके पास ये लोको पायलट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, इन सब बनने का, ये सब बनने का आपके पास एक अच्छा मौका है। तो आरआरबी के लिए भी बहुत लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स रजिस्टर करते हैं एंड कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बट हाँ आप उन कुछ में से एक हो सकते हो अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है एग्जाम के थ्रू। सो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सिक्स लेवल पे है वो है जॉब्स इन स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आप देख सकते हैं कि हर स्टेट में अपनी अपनी एक वैकेंसीज निकलती हैं, हर थोड़े थोड़े टाइम पे निकलती रहती हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिए जॉब्स अवेलेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जैसे आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, जहां पर भी है बस वहां पे अपना सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। उसमें आप कह सकते हैं मैकेनिक, टेक्नीशियन, ड्राइवर, असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, अदर्स। तो इसके लिए भी अभी क्लास 12th की डिग्री आपके पास, मतलब क्लास 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, एंड इजीली आप इसमें भी जॉब आप ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर अलग होता है, डिफर होता है जॉब जॉब पे। सो जो जिस हिसाब से टाइप की जॉब है उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे साइंस साइड से हो गया, टेक्नीशियन हो गया, साइंस साइड से होना चाहिए। बट हाँ 12th के बाद आप इजीली अपने स्टेट में जॉब ले सकते हैं, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। बट हाँ ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। सो जो नेक्स्ट है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। वन कैन ऑल्सो टेक अ पोजिशन एट द इंडियन कोस्ट गार्ड आफ्टर ग्रेजुएटिंग हाई स्कूल, मीन्स आपकी क्लास 12th, एंड वन कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक्स, जो सेलर्स होते हैं, यांत्रिक जो टेक्नीशियंस होते हैं, और जो असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जॉब ले सकते हैं। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है और आप ये भी क्लास 12th के बाद एग्जाम देके क्लियर करके आप इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू क्लियर होके इन तीन हो गए आप जॉब्स ले सकते हैं, तीन आपकी तीन जो आपकी ये हो गए पोस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड की, आप अगर इसको कंसिडर कर सकते हैं और काफी प्रेस्टीजियस जॉब इसे कह सकते हैं कि आपको मिल सकती है क्लास 12th के बाद। तो जो लास्ट और एट्थ है जो है वो है सिक्योरिटी फोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस, जो डिफेंस के अलावा भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, जैसे देयर आर वेयर्स ओपनिंग इन द सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th विद अ 10 प्लस 2 ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर फ्यू पोजीशंस इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में आप जॉब ले सकते हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी में ले सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। तो इनमें भी आप क्लास 12th के बाद जॉब ले सकते हैं। प्रोसीजर सबका अलग होगा, कुछ का सेम होगा, दैट डिफर्स, बट हाँ आप इसमें क्लास 12th के बाद जॉब ले सकते हैं। एंड यार आप इसमें अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए क्लास 12th के एग्जाम होने के बाद। ये मत सोचिए हमने बहुत ज्यादा बड़ी चीज कर ली है, उसके बाद ही असली आपकी जो संघर्ष कह सकते हैं स्टार्ट हुआ है। और आप किस ना किस तरह कहीं पे कोई आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट करिए, प्लीज खाली मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ करिएगा। आप अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं अपनी आगे ग्रेजुएशन, तो आप इन चीजों को कंसिडर बहुत आराम से कर सकते हैं। तो फोकस करिए अलग अलग चीजों पे एंड उस पर वर्क कीजिए। मैं बताता रहूंगा कौन कौन से वेज है जिसके थ्रू आप जो जो एग्जाम्स आप दे सकते हैं, जो जो चीजें कर सकते हैं, मैं बताता रहूंगा मैं आपको नई नई वीडियोज में। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड या कि आज की वीडियो बहुत बस इतना ही। प्लीज गाइज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई भी अगर डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, आप सक्सेस विद संस्कार चैनल पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड गाइस प्लीज सेव फ्रॉम कोरोना वायरस बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ हुआ है पूरे वर्ल्ड में ही। तो प्लीज अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, प्रिपेयर कीजिए। एंड डीयू की भी मैं एंट्रेंस के बारे में काफी वीडियो बना चुका हूँ पहले, अगर आपको वो देखने तो आप वो जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।